मुसलमानों को जो ओहदा देना है, जो आगे बढ़ाना है, क्या जेडीएस इस काम में आगे जो बढ़ेगी? सवाल कर रहे हैं ना आप, इसका बेहतर एक जवाब देता हूँ, मेरे आगे लेके मैं बढ़ा के बताता हूँ। लेकिन मुसलमानों को टुकड़े कौन किया है और कर सकता है, पहली बात ना है ना पैदा होएगा जो मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े करेगा। उलमा इकराम आगे आए, हम लोगों को सब कुछ रहनुमाई करें, हम लोग को साथ लेके चले, एक फैसले पे लेके आए, फिर देखो कि मुसलमान इकतदार में आता कैसे नहीं है। इतने बड़ा कद बढ़ाने तक, इतने बड़े लीडर होने तक उनको बाप बेटे होने का एहसास नहीं हुआ? निकल जाने के बाद में जब इल्जाम दे रहे तो नमक हरामी है। उनके खामियां नजर नहीं आई, उनके खूबियां नजर आए, उनको भगवान बोलते रहे, पैर पड़ते रहे, चूमते रहे, चपटते रहे, पता नहीं क्या झपियां पपियां सब करते रहे। और क्या पैगाम देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए से? आपके चैनल के नाज़रीन को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक था कि आप लोगों ने किस लिए बुलाए, किस लिए फंक्शन किए, आपका मकसद क्या है, जाहिर है कि कोई ये इस्लामी जलसा तो नहीं था, ये तो एक सियासी जलसा था। सियासी एक तरबियत थी जिसका नाम वर्कशॉप रखा गया है, और इसको प्रोग्राम 0.01 1 2 3 था, मिशन 1 2 3। मिशन 1 2 3 में का मतलब कल खुसूसी तौर पे हम कौम को बुलाया गया था, तो वही सारे रियासत का हाल समझना चाहते थे और हमारे आगे का मिशन क्या है उसको तफसील से समझाने की कोशिश की गई, बस जी। उसके अलावा और कुछ नहीं। सर आपके बयान में कल आपने बताया कि मुसलमान सो रहे हैं, मुसलमानों का जोश खत्म हो गया है वीप बैन होने पर। क्या मुसलमानों का जोश सिर्फ वीप खाने से था या कुछ और भी है सर? देखिए वो तो बहस एक मजाक था, एक टोन था, एक ताना मारा था मैंने केंद्र सरकार पे कि इन्होंने वीप बैन कर लिए। बीफ बैन करके कौन सा तीर मार लिए लोग ने, हम सिर्फ मुसलमान थोड़ा ही बीफ खाता है। लेकिन रही बात मेरा उनके कौम के जज्बात को जगाना, मेरा मकसद था, मेरे अल्फाजों पे ना जाए आप, मेरे मकसद पे जाए। मेरा मकसद कौम को जगाना था कि वो जोश, वो जज्बा, वो इत्तेफाक, वो मोहब्बत, वो एक दिली कहाँ गई मुसलमानों में, मैं ये पूछना चाहता था। मैं उस जोश जज्बे को जगाने की खातिर मैंने वो मिसाल दी थी ताकि सोया हुआ मुसलमान जागे। अगर वो आज नहीं जागेगा तो आने वाली नस्लें लानतें भेजेंगी हमारे हुकूमत पे, हमारे दौर पे, कि हमें कोसेंगी हमारे आने वाले नस्लों ने कि उस दौर में काश हमारे बाप दादा उस वक्त एक जोश भरा कदम उठाए होते तो आज हम इस हालातों में नहीं होते। जैसे कि आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले मुस्तकबिल का जो अंदेशा है इसके लिए आज के मुसलमान को जागना ज़रूरी है, जिनको मैं जगाने की एक कोशिश कर रहा था, पन उसके अलावा और कोई माने नहीं थे मेरे बोलने। अभी क्यों ज़रूरत पड़ी है मुसलमानों को जागने की? क्योंकि सो रहे हैं, उन्हीं को जगाया जाता है जो सो रहे हैं। मैं तो वही कोशिश कर रहा हूँ, जो सो रहे हैं उनको जगाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये जागे होते तो फिर मेरा बोलना भी फजूल है। अरे कोई जागे हुए को जगा सकता है क्या? सोए हुए को तो जगाने की कोशिश करना चाहिए, जो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह इसी उम्मीद पे कि आज का मुसलमान अगर जाग जाता है तो आने वाली नस्लों को तकलीफें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर एक तरफ जेडीएस पार्टी मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तीसरी तरफ बीजेपी भी है, और चौथी तरफ MIM पार्टी और बहुत सारे पार्टियाँ ऐसे हैं कि मुसलमानों को अपनी तरफ रुख करने के लिए बहुत सारी दावत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टुकड़ों में बांटने का काम नहीं हो रहा? देखिए देखिए इन अल्फाजों से मैं बड़ा नाराज होता हूँ। मुसलमानों को टुकड़े कौन किया है और कर सकता है, पहली बात कोई नहीं कर सकता। माइक का लाल दुनिया में ना पैदा हुआ ना है ना पैदा होएगा जो मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े करेगा, क्योंकि हम खुद ऑलरेडी बटे हुए हैं, इसी का तो खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और रही बात आजकल बीजेपी भी खींच रही है, कांग्रेस भी खींच रही है, फलानी पार्टी, डिमका पार्टी, ठिकाना पार्टी, सभी पार्टियों का जो नाम ले रहे, तो मतलब
मुसलमानियों की अहमियत बढ़ रही है, तो मुसलमान को अपनी शर्तों पे उतरना चाहिए इस वक्त। ये ना कि अपने छोटे से फायदे के लिए अपने ईमान को बेच दे, अपनी कौम को बेच दे। अपनी शर्तों पे पार्टियों को मनाने की क्वालिटी मुसलमानों में आना चाहिए आज की तारीख में। अगर जब सारे पार्टियों की जरूरत मुसलमान है, तो मुसलमानों को भी जाग जाना चाहिए कि हमारे ये शर्तें हैं, इन शर्तों को कौन पूरा करेगा, हम उसके साथ में। ये फैसलों पे आज मुसलमान को जागना होगा। ये आवाज़ वहीं से उठ सकती है, कहाँ से? ये उलमाए इकराम को इस आवाज़ को उठाना चाहिए। ये लोग ही हैं जो हम लोग को सही राह भी बता सकते हैं और मुसलमानों को रहनुमाई भी कर सकते हैं। इनको आगे आना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि भाई कहाँ कौन क्या कर सकता है, कौन सी जमात को कहाँ साथ देना है, कहाँ नहीं देना है। जब तक ये लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आपको तो मालूम है इस्लाम में बहुत सारी चीज़ों की छूट है। सब अपने घर का मालिक है, यहाँ तो सिंगल तो कोई भी नहीं है, बोलता है सब अपने अपने घर का अलग अलग शेख है। तो ऐसे में कौम की रहनुमाई के लिए कोई तो चाहिए। मैं इसीलिए दावत दे रहा हूँ, उलमा इकराम आगे आए, हम लोगों को सब कुछ रहनुमाई करें, हम लोग को साथ लेके चले, एक फैसले पे लेके आए, फिर देखो कि मुसलमान इख्तदार में आता कैसे नहीं है। ये मेरा दावा है। मुसलमानों को जो अहदा देना है, जो आगे बढ़ाना है, क्या JDS इस काम में आगे बढ़ेगी? आप पार्टी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जो सवाल कर रहे ना आप, इसका बेहतर एक जवाब देता हूँ। मेरे आगे लेके आओ, मैं बढ़ा के बताता हूँ। लेके आओ, क्योंकि अक्सर रोकता कौन है? नहीं नहीं, कई सारे दूसरे पार्टियाँ जो हैं अक्सर ये कहते हैं ये बाबा बेटे की पार्टी है, यहाँ पे किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बाबा बेटे कितने कॉन्स्टिट्यूंसी? 224 कॉन्स्टिट्यूंसी है रियासत में। बाबा बेटे क्या 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होएंगे? क्या मतलब है बाप बेटे का? अरे भाई, एक घर में 6 डॉक्टर होते, एक घर में 5 इंजीनियर होते। अगर बाप सियासतदान है, बेटा सियासतदान हो गया, तो गुनाह कहाँ हो गया? BCC का सेक्रेटरी बना, उसको क्यों नहीं पूछते आप लोग? जान रहे हो मेरा इशारा किसकी तरफ है? खुल के बोलता अमित शाह, जिसने बैट नहीं पकड़ा उसको सेक्रेटरी बना दिया तुम लोगों ने। अरे ये तो पैदा इस माँ के पेट से सियासत को सुन के पैदा हुआ कुमार स्वामी जी या रेवन्ना। तो वो अगर सियासतदान है तो तकलीफ क्यों हो रही है आप लोगों को? मुझे एक बात बताओ, शेर का बच्चा कभी कुत्ता हो सकता है? बिल्ली हो सकती है? नहीं, शेर का बच्चा शेर ही होगा। सियासतदान का बच्चा सियासतदान, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, व्यापारी का बच्चा व्यापारी, आलिम का बच्चा आलिम। तो इसमें बाप बेटा, बाप बेटे का मतलब क्या हो गया? बोलो भाई, दो आदमी क्या दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते देवेगौड़ा जी? इम्पॉसिबल। तो फिर क्यों है गंदी सोच? अगर तुम्हारे में काबिलियत है, यू आर वेलकम। कौम की खिदमत करने का जज्बा है, यू आर वेलकम। आओ आगे बढ़ो, आगे मैं बढ़ाता हूँ, मैं अपनी जगह छोड़ के देने को तैयार हूँ। वेलकम तो पार्टी में कर लेते हैं, लेकिन उनको वो अहदा नहीं देता, उनको वो पावर नहीं मिलता जहाँ पे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे। भाई बाप से भी मांगने से पूरी जरूरत पूरी नहीं होती है। कई बच्चों को देखे होंगे जो घर में चोरियां भी करते, छीन के भी लेते। तो वो हुनर हम में आना चाहिए, हमारे में वो काबिलियत रहना चाहिए। हम उतनी कुछ तो देन दिए होंगे तो हम उतने के हकदार भी तो बनते हैं। हम कुछ करें नहीं, मुसलमान के वोट तो हम दिला नहीं पा रहे, और बोलेंगे मुसलमानों को ओहदा नहीं देते, तो इसका मतलब क्या है? एक बार हमारी कौम साथ दे तो उनको क्यों नहीं देते मौके? 70 साल कांग्रेस को साथ दे के क्या हासिल हो गया सर? अभी आप बोल रहे हैं हमारे को साथ दे, वो जाके कर लिया, तो वो जाके कांग्रेस वालों से पूछे जो 70 साल से इस्तेमाल किया। अब मुझे क्यों पूछते हैं? अब आप किसका नाम लोगे? आप कौन से लीडर का नाम लेना चाहते हो? कमर इस्लाम का, रोशन बेग का, CM इब्राहिम का, बिजर जमीर अहमद का, किसका नाम लोगे? सब लोग तो जनता दल की पार्टी से तो ओहदे लेके तो बाहर गए, सर्टिफिकेट तो यहाँ से लेते, फिर बाहर चले जाते, फिर परेशान हो जाते। तो ये तो यहीं से है, बाकी उनको उतने बड़े ओहदे कहाँ दिए इन लोगों को? ये इल्ज़ाम सरासर झूठ है कि जनता दल पार्टी में बाप बेटे ओहदे नहीं देते, ये सब मुसलमानों को नहीं दिए। सर जिन्होंने निकला है उन्होंने बार बार इल्ज़ाम लगाया है क्योंकि JDS में
उतना अहदा नहीं मिलता हमारे को, इसीलिए हम पार्टी छोड़ के आ गए। ये बाप बेटे की पार्टी है, उन्हीं की चलना है, हमारी कोई नहीं सुनता, इसीलिए हम अहदा छोड़ दिए। ये जब आए थे पार्टी में क्या हैसियत से आए थे? जब गए थे तो क्या हैसियत से गए थे? इतने बड़ा खद बनाने तक, इतने बड़े लीडर होने तक उनको बाप बेटे होने का एहसास नहीं हुआ? जब बड़े हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा इनके दिल में लालच आ गई, वो बाप और बेटे को ख़त्म करके उनके बाप बनने की कोशिश किए, तो उनको जगह नहीं मिली, तो वो लोग आगे निकल गए। निकल जाने के बाद में जब इल्ज़ाम दे रहे तो नमक हरामी है। ट्रेन होने तक, अपने आप को बड़ा बनाने तक उनमें उनकी खामियां नज़र नहीं आई, उनकी खूबियां नज़र आए। उनको भगवान बोलते रहे, पैर पड़ते रहे, चूमते रहे, चमटते रहे, पता नहीं क्या झप्पियाँ पप्पियाँ सब करते रहे। जब तुम्हारी मांगों पे नहीं आए, तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुमको सबको दे दिए, उसके बावजूद भी इनको ज़्यादा चाहिए था, तो नहीं मिलने से उनकी मुखालिफत शुरू कर दिए। बोले शैतान है, इसको कंकर मारो। कभी खुदा कहते थे, कभी शैतान कहते। भाई आप अपने आप को डिसाइड तो कर लो कि आप क्या हो। आए थे जब क्या थे, जब इस घर से गए थे जब क्या थे, बस। किसी और पे इल्ज़ाम देने से खुद के इल्ज़ाम कम नहीं होते। मैं किसी की गीबत नहीं करना चाहता हूँ। जो बेखौफ लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं वो खुद समझेंगे।